हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राज ब्लॉग्स। तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं मेरे मूर्ति नगर स्टेशन पे एक लाश पड़ा हुआ है। हमको कॉल से पता चला है कि कोई कट गया है, तो वहाँ पे हम चलते हैं, तो आप लोगों को दिखाते हैं कि कहाँ का लाश है और कब कटा है, किस तरह से कटा है। चलिए तो आपको दिखाते हैं, वहाँ पर चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं आ गया हूँ लाश के पास। तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं कि लाश कहाँ का है और पता करते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मैं वहाँ पे नहीं जा सकता हूँ, पर आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि उसका माथा कट गया है, तो पहचान में नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक सर है रेलवे विभाग के, जो उनसे थोड़ा हम बात करेंगे तो उनसे पता चलेगा कि हाँ थोड़ा बहुत जो लाश कहाँ का है। तो आइए हम सर से थोड़ा बात करते हैं। तो सर बताइए, आप कब आए हैं और लाश का आपको कब पता चला सर कि यहाँ पे लाश पड़ा हुआ है? हम यहाँ पे 7:10 पे आए जी सर, और यहाँ पे आए तो भीड़ लगा हुआ था, तो देखे और लाइन को क्लियर किए, नीचे उतार कर। जी जी सर, और ये पता भी नहीं चला कि लाश कहाँ का है सर? नहीं नहीं, पहचान भी नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, अभी तक पहचान में तो नहीं आया है जी सर। उसके बाद खबर कर दिया गया, RPF आ रहा है, थाना आ रहा है। जी जी जी, उसके बाद जो होगा सर वही सब। ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं कि मैं सर से बात किया हूं, तो सर बोले कि मैं लगभग 7 बजे करीब में आया हूं, तो यहां पे लाश पड़ा हुआ था और सर ने लाश को हटाया और लाइन को क्लियर किया है। यहां से देख सकते हैं कटा हुआ है, आप लोग दिख रहा होगा कि आप लोग देखें कि मैं सर से बात किया हूं और सर ने बताया कि मैं लगभग 7 बजे करीब में आया हूँ, तो लाश पड़ा हुआ था, सर ने लाश को हटाया और लाइन क्लियर किया है और RPM को खबर कर दिया है। तो RPM आएगा और छानबीन करेगा, तो उसके आगे नेक्स्ट पता चलेगा, तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।